bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students how are you all this is your social study book i am a teacher of metropolitan foundation school month of january is start now subject social studies unit number 13 topic is trade and industry Page number fifty five Description of the Chapter Reading and Explanation Question and Answer Goods and Services are product of industry manufacturing or making things in factories is important for every country of the world. स्टूडेंट्स जितनी भी चीज़ें हमारी बनती हैं हम बना हमारी जो मुल्क बनाई जाती मुल्क में बनाई जाती है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फैक्ट्री से बनती हैं ठीक है द कंट्री विच आर इंडस्ट्रियलाइज हैव बिकम रिच एंड आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो कंट्रीज़ जो हैं जिनका जो इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइज वो स्ट्रॉन्ग uh, हैं उनका उनको डेवलप कंट्री कहा जाता है और उनमें जापान यूएसए, जर्मनी फ्रांस एंड इंग्लैंड शामिल है एंड द कंट्री विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रलाइज आर कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री और वो जो कंट्री है वो जो कि तरक्की कर रही होती है, है आ, उसको कहते हैं डेवलपिंग कंट्री ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या है कि Industry in Pakistan are mainly agro based industry because Pakistan is an agriculture country and the raw material of these.

ठीक है जैसा कि मैं आपको बताया था कि मंथ ऑफ जनवरी में एस में आपके दो चैप्टर्स हैं जिसमें नंबर वन चैप्टर है ट्रेड एंड इंडस्ट्री इसके कुछ टॉपिक्स मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में मंथ ऑफ जनवरी के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था और अब मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो कि मैं अब uh, इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है कि पाकिस्तान हैज़ ट्रेड Relation with many countries of the world, like USA, Japan, China, and the countries of the Middle East, Africa, and Europe. Pakistan earned money by selling many goods, like raw cotton, leather goods, rice, and many other products, to these countries. These are called exporting goods. Many things which are not made here. Like medicine, oil, heavy machinery, electricals, and electronic goods, etc., are bought from these countries. These are called imports. इम्पोट गुड हम कोई ची चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने वाफ़िर मकदार में दिया है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे मुल्क में नहीं बनती वो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है तो ये शिपिंग के तरीके से हम एक्सपोर्ट और इम्पोट का अपना जो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रेड का वो चल रहा होता है इसके अलावा ये आप देखिए स्टील मिल्स है वी हैव ओनली वन स्टील मिल दैट इज लोकेटेड इन कराची विच प्रोड्यूस पिग आयरन फॉर वेरियस मशीन एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मशीन लाइक रोड रोलर ट्रैक्टर सीमेंट प्लांट एंड शुगर प्लांट्स आर बीइंग मेड एट द दैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स इन टेक्सिला ठीक है तो स्टूडेंट ये सब टॉपिक मैं आपको जो हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मैं आपको बता चुकी थी ठीक है अब है सम हैवी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अब आपको मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान की सम हैवी जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो कौन कौन सी है पाकिस्तान स्टील मिल्स ठीक है जो हैवी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें है पाकिस्तान स्टील मिल्स इट इज़ लोकेटेड नियर द बिन कासिम सी पोर्ट इन कराची इट प्रोड्यूस स्टील फॉर आवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो इस्टील मिल है ये कहाँ है बिन कासिम के करीब वाक़ है और सी पोर्ट इन कराची में है और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है इस्टील फॉर आवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फिर है हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स इट इज़ लोकेटेड इन टेक्सिला ये टेक्सिला में वाक़ है जहाँ जो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स है ये टेक्सिला में है इट प्रोड्यूस हैवी मशीनरी फॉर अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे हैवी मशीनरी प्रोड्यूस होता है जो कि हम दूसरी इंडस्ट्री को देते हैं द शुगर प्लान एंड सीमेंट प्लान्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय दिस फैक्ट्री इसमें क्या है शुगर प्लांट्स और जो सीमेंट प्लांट्स हैं, वो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं ठीक है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री जो है स्टूडेंट्स इट इज़ लोकेटेड इन कराची ये कराची में है इट प्रोड्यूस इंजीनियरिंग गुड्स फॉर द अदर फैक्ट्रीज और इसमें क्या है इंजीनियरिंग के जो इक्वमेंट्स uh, होते हैं या इंजीनियरिंग के जो uh, जो टूल्स होते हैं वो uh, इस uh, मशीन टूल फैक्ट्री में बनते हैं ठीक है Pakistan major import and export. पाकिस्तान के जो मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैं उसमें क्या है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है कि हाँ पाकिस्तान में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं ताकि दुनिया भर में ये तस्लीम किया जाए ये माना जाए कि पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है गुड्स हैं वो आइटम हैं वो वो सप्लाई होते हैं वो बनते हैं और पाकिस्तान भी एक तरक्की याफ़्ता मुल्क में इन शाह तुमार होने जा रहा है और यहाँ की जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेस्ट होती है तो एक्सपोर्ट आइटम जो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है उसमें राइस लेदर गुड्स कारपेट्स रॉ कॉटन टेक्सटाइल गुड्स एंड स्पोर्ट्स गुड ठीक है हमारा स्पोर्ट्स में क्या सियालकोट में जो स्पोर्ट्स खेलों का जो सामान बनता है वो होते हैं और ये सारी जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं कारपेट है कार कॉटन राइस ये बहुत अच्छी आ, ये जो आ, इसका जो क्वालिटी होती है वो बहुत गुड क्वालिटी होती है जो कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं इसके बाद वो सारी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती प्रोड्यूस नहीं होती उसमें कौन कौन सी होती हैं इंक्लूड मेडिसन टी ऑयल मशीनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ठीक है ये सामान क्या है हम इसको इम्पोर्ट करते हैं और ये पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं जो uh, बन रही होती हैं और इसको हम जो उसमें बन, uh, हम दूसरे मुल्कों से हम लेते हैं एरियाज इस्पेली डेवलप फॉर इंडस्ट्री वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो के डेवलप uh, हैं जहाँ पर यह इंडस्ट्री होती है हब में हब इन बलूचिस्तान ठीक है नूरियाबाद इन सिंध फिर ये है इसके अलावा कौन सा है गुडौन अमजाई इन खैबर पख्तून ख़ान ठीक है इसके अलावा पंजाब में भी है ठीक है ये सारे स्पेशली ऐसे इलाक़े हैं जहाँ पे ये इंडस्ट्री को डेवलप किया जाता है और यहाँ पे ये सारे काम होते हैं तो ये सब इलाके शामिल हैं इंडस्ट्री इन पाकिस्तान मेजर इंडस्ट्री पाकिस्तान में मेजर जैसे कि बिग इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री जो हैं वो शामिल हो, होते हैं तो हम आपको अभी बताएंगे कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन से स्मॉल इंडस्ट्री सबसे पहले मेजर इंडस्ट्री इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री घी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री आयरन एंड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सिगरेट इंडस्ट्री ये पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्री हैं स्टूडेंट्स और जहाँ पे मतलब ये आपने टेक्सटाइल सुना होगा जहाँ पे कपड़ों का मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे फैसलाबाद वगैरह में बहुत अच्छे कपड़े बनते हैं और ये पाकिस्तान का मेजर इंडस्ट्री uh, हैं इसके बाद है स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल में क्या है ऑयल सीड है मिलिंग है राइस ऑयल सीड मिलिंग राइस इंडस्ट्री कारपेट मेकिंग कॉटन एंड वेविंग लेदर एम्ब्रॉयडरी पोट्री स्पोर्ट गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वाक़ होती हैं और बहुत जो कि पाकिस्तान में स्मॉल इंडस्ट्री के नाम पे ये सब चीज़ें हैं तो आज मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले आपको हैवी इंडस्ट्री बताई पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री कौन कौन सी बताई कि पाकिस्तान स्टील मिल फिर हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री ये पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री है फिर आपका बताया पाकिस्तान का मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कि हम कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट uh, करते हैं कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ठीक है फिर इसके बाद मैंने आपको वो एरियाज़ बताई जहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं फिर मैंने मेजर इंडस्ट्री बताई और स्मॉल इंडस्ट्री बताई द मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का मेन इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है कराची इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ अवर कंट्री ठीक है अदर सिटीज़ इंक्लूड लाहौर फैसलाबाद हैदराबाद कोटरी गुजरावाला गुजरात सियालकोट मुल्तान एंड सकर ये जो मेन इंडस्ट्रियल सिटी हैं पाकिस्तान के वो यही हैं सबसे पहले तो कराची है कराची इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है पाकिस्तान का और जो दूसरी जो हैं सिटीज़ हैं जो कि जहाँ पे ये इंडस्ट्रियल का वर्क होता है उसमें लाहौर फैसलाबाद हैदराबाद कोठरी गुजरावाला गुजरात सियालकोट, मुल्तान एंड सक्कर शामिल है ठीक है अब एक क्वेश्चन नंबर वन ठीक है अब मैं, मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको फिलिंदा ब्लैंक्स करवाई थी ठीक है वो एट फिलिंदा ब्लैंक्स थी और आपने एट की एट की ठीक है अब है क्वेश्चन आंसर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द वर्ड मैन्युफैक्चरिंग आप जो है मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मीन मेकिंग थिंग इन फैक्ट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है कि हम वो चीज़ें जो मशीन की हेल्प से मशीन की मदद से हम फैक्ट्री में बना सकें मैन्युफैक्चरिंग मीन मेक थिंग इन फैक्ट्रीज़ विद द हेल्प ऑफ मशीन क्वेश्चन नंबर टू वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री यानी कि आपको बताना है कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क है द कंट्रीज़ विच आर इंडस्ट्रलाइज है रिच एंड आर कॉल्ड डेवलप कंट्रीज़ दीज इंक्लूड जापान यूएसए जर्मनी फ्रांस एंड इंग्लैंड ठीक है ऐसे कंट्रीज़ जो कि इंडस्ट्रलाइज हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट तौर पर अपनी चीज़ों को इंडस्ट्रलाइज़ हो चुके हैं और उसमें वो रिच हैं तो वो डेवलप कंट्री कहलाते हैं ठीक है और उसमें जापान यू एस ए जर्मनी फ्रांस एंड इंग्लैंड शामिल हैं और द कंट्री विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रलाइज आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री और जो के इंडस्ट्रलाइज हो रहे हैं और उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग विच यू थिंग विच यू थिंग कम फ्रॉम इंडस्ट्री हमें कुछ, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है जिसमें हमें बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं आप वो कौन सी चीज़ों के लिस्ट बना सकते हैं जो कि इंडस्ट्री से आते हैं आंसर क्लोथ घी शुगर पेपर सीमेंट आयरन स्टील कारपेट लेदर लेदर गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कार बसेस एंड मैनी इलेक्ट्रिकल आइटम लाइक टेलीविज़न सेविंग मशीन रेफ्रिजरेटर वग़ैरह ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है ठीक है ये हमारे सब डेली रूटीन की चीज़ें हैं बेटा जो कि इंडस्ट्री से आती हैं और हम इसको यूज़ करते हैं और इन सब चीज़ों से आप लोग बखूबी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट डू यू नो अबाउट सम ऑफ द हेवी इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की यह हैवी इंडस्ट्री है यह मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ नंबर वन पाकिस्तान का है स्टील मिल इट इज़ लोकेट नीयर द बिन कासिम सी पोर्ट इन कराची ये कराची में बिन कासिम सी पोर्ट के करीब है इट प्रोड्यूस स्टील फॉर अवर डिफरेंट इंडस्ट्री यहाँ से हम स्टील को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी इंडस्ट्री को हम देते हैं ताकि उनका काम हो सके फिर है हैवी मकैनिकल कॉम्प्लेक्स इट इज़ लोकेटेड इन टेक्सिला ये टेक्सिला में वाक़ है इट प्रोड्यूस हैवी मशीनरी फ़ॉर अदर इंडस्ट्रीज़ द शुगर प्लान्ट एंड सीमेंट प्लान्स आर ऑल्सो प्रोड्यूज बाई दिस फैक्ट्री और शुगर और सीमेंट के जो प्लान्ट वो इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं नंबर थ्री है पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री पाकिस्तान के मशहू uh, जो मैकेनिकल टूल फैक्ट्री है वो भी एक हैवी इंडस्ट्री में आता है इट इज़ लोकेट इन कराची ये कराची में वाक़ है और इट प्रोड्यूस इंजीनियरिंग गुड्स फॉर द अदर फैक्ट्री और फिर क्या है कि ये इंजीनियरिंग के जो सामान है ये अदर फैक्ट्री को वो देते हैं बनाते हैं और प्रोवाइड कर रहे होते हैं ठीक है तो पाकिस्तान का ये जो हैवी इंडस्ट्री है इसमें पाकिस्तान स्टील मिल हैवी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री क्वेश्चन नंबर फाइव वाट आर द मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आइटम ऑफ आवर कंट्री हमारे मुल्क का जो मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आइटम है वो बताना है तो कौन कौन सा है एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट आइटम ऑफ पाकिस्तान आर राइस लेदर गुड्स कारपेट्स रो रॉ काटन टेक्सटाइल गुड्स एंड स्पोर्ट्स गुड ठीक है तो ये शामिल है इसके अलावा इम्पोर्ट में इम्पोर्ट आइटम इंक्लूड मेडिसन टी एडियब एडियबल ऑयल मिशन मिशनरी इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ठीक है तो ये तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स की हैं तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है मैंने आपको पहले बताया था कि मंथ ऑफ जनवरी का ये टॉपिक है ट्रेड एंड इंडस्ट्री इसके कुछ टॉपिक मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको आपसे डिस्कस किए और कुछ टॉपिक मैंने आप आपके इस इस वीडियो में डिस्कस किया है ठीक है तो आप मैं आपको एक मख्तसर आपको थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ़ कर दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है इसमें मैंने आपको ये बताया है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग थिंग इन फैक्ट्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ठीक है द कंट्री विच आर इंडस्ट्रलाइज हैव बिकम रिच एंड आर कॉल्ड डेवलप कंट्री दीज इंक्लूड जापान यूएसए जर्मनी फ्रांस एंड इंग्लैंड एंड द कंट्री विच आर बिकमिंग इंडस्ट्रलाइज आर कॉल्ड द डेवलपिंग कंट्री आवर कंट्री इज वन ऑफ देम ठीक है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत सारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो एग्रीकल्चर की फील्ड से जुड़े हुए होते हैं और पाकिस्तान चूँकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और यहाँ पे क्या बनता है कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड द रॉ मटेरियल ऑफ़ दिस इंडस्ट्री कम फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप सच एज़ कॉटन राइस शुगर कैन द मेजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर कॉटन टेक्सटाइल शुगर केमिकल सीमेंट, वेजिटेबल घी वगैरह ठीक है इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक आयरन स्टील मिल्स भी है जो कि आयरन को की आयरन फॉर वेरियस मशीन एंड टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मशीन लाइक रोड रोलर ट्रैक्टर सीमेंट प्लांट एंड शुगर प्लांट्स बनते हैं जो कि टेक्सिला में है फिर मैंने आपको बताया था बेटा के इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं पाकिस्तान में होता है और ये ट्रेड से रिलेशन इसका जॉइंट होता है पाकिस्तान हैज़ ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज़ ऑफ़ द वर्ल्ड लाइक यू एस ए जापान चाइना एंड द कंट्रीज़ ऑफ़ द मिडल ईस्ट अफ्रीका एंड यूरोप ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सी चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं बेटा और उसमें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं वो कौन कौन सा है जो मैंने आपको ये बताया था जो हम दे रहे होते हैं वो है राइस है कॉटन लेदर इसके अलावा जो हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं बेटा वो है मेडिसन है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं ठीक है थीके? ये सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं फिर मैंने आपको मुख्तफ जगह बताई कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम हमारी इंडस्ट्री है और वो जो सिटीज़ को इंडस्ट्रियल सिटी कहते हैं उसमें कराची इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ पाकिस्तान है इसके अलावा लाहौर में फैसलाबाद हैदराबाद कोठरी गुजरावाला गुजरात सयालकोट मुल्तान और सक्कर में भी है ठीक है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज का ये टॉपिक आपने बह, आ, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा क्योंकि तो मैंने कई बार आपको रिपीट करके बार बार आपको समझाया है कि पाकिस्तान की जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है आ, वो कौन कौन सी है और वो कैसे आ, वो परफॉर्म कर रही होती हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको दोबारा यही कहूँगी बेटा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कीजिएगा और एक वर्ड के बाद दूसरे में प्रॉपर गैप दीजिएगा एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए क्योंकि तो आप लोग बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और जब आप प्रॉपर स्पेस नहीं देते तो राइटिंग अच्छी नहीं होती तो एक लाइन पे लिखने की कोशिश कीजिएगा प्रॉपर स्पेस दीजिएगा और जो हैडिंग्स हैं उसको ब्लैक पॉइंटर से कीजिएगा ताकि वो एक वो एक प्रोमिनेंट हो और वो हेडिंग समझ में आए ठीक है और क्वेश्चन आंसर कीजिएगा बहुत अच्छे से काम करना है साफ़ सुथरे से काम करना है गंदगी नहीं होनी चाहिए बेटा और स्पेलिंग प्लीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ओके okay, स्टूडेंट और अपना बहुत अच्छे से ख़्याल रखना और आप आजकल आप क्वालिटी टाइम आपके पास मौजूद है अपना एक टाइम टेबल बनाइए एक शेड्यूल बनाइए और उसमें वर्क कीजिए लर्निंग कभी कीजिए अपनी रीडिंग स्किल अपनी राइटिंग स्किल को बहुत अच्छे से इन्हेंस कीजिए बहुत अच्छे से उसको डेवलप कीजिए ठीक है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा और घर पे रहिएगा अल्लाह हाफ